बॉडी वाला फॉर्म लाउडली बोलेगा। देखिए मैं एसएससी और बैंकिंग और रेलवे और अदर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन के, तो उसमें मैथ और रीजनिंग में कवर करेंगे। तो देखिए एचके में जो कॉम्पिटिशन क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं, ऑफलाइन अवेलेबल भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिलेबस को, थोड़ी देर में समराइज करूँगा सिलेबस को। देखिए कोई भी इंडिया में एग्जाम होता है, कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, तो यहाँ पे जो इस टॉपिक से यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं पे इस क्वेश्चंस पूरा टॉपिक से कवर करते हैं जहाँ जहाँ मैं उसको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो अरिथमेटिक का पार्ट है, ये जो टाइम एंड वर्क फर्स्ट चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए देखिए टाइम एंड वर्क को बोलते हैं काम समय, काम और वर्क, ठीक है। मतलब यहाँ पे टाइम एंड वर्क जिसको उसको बोलते हैं समय तथा वर्क, और पाइप एंड सिस्टम को बोलते हैं पानी और टंकी, और टाइम एंड डिस्टेंस बोलते हैं समय तथा चाक। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और इंग्लिश मीडियम वाले को दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ और हानि, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, नंबर सिस्टम एंड एवरेज। ये जो टॉपिक लिखे आपके अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, वो सारे अर्थमेटिक के टॉपिक कोई भी इंडिया में एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, तो सारे के सारे अर्थमेटिक से ज़्यादा कवर होते हैं। फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल जाते हैं जो मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन में आप पूरा पढ़ोगे ट्राइंगल का एरिया, फिर कोऑर्डिनेटर का एरिया, ये सारे मेंसुरेशन में पढ़ोगे, फिर क्यूब, क्यूबाइड, फिर ट्रिग्नोमेट्री एक एडवांस का पार्ट होता है, फिर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का एडवांस का पार्ट होता है, ये पूरा ज्योमेट्री का पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। ये जो अलजेब्रा भी है यहाँ पे एडवांस का पार्ट है, ये जो एसएससी का भी पैटर्न है और आपका बैंकिंग में बहुत कम आता है, लेकिन ये पूरा एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंकिंग में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस का जो पेपर होता है या आईएएस का पेपर होता है वो सी साइड का होता है टाइम एंड वर्क में। देखिए इन सब के हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ना तो एक्स मानेंगे, तो फार्मूले में स्टे नहीं करना आपको, आपको हम लॉजिकली बताएंगे कैसे फंडामेंटल कैसे है, मतलब उसको बताएंगे उसको क्वेश्चंस को ट्रिक आउट कैसे करना, ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करना। देखिए कम टाइम में हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चंस का आंसर हमें देना होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ ट्रिक बताने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क में, क्लियर। तो मैं रफ कर देता हूँ इसको, निकाल लीजिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। कार्य और समय, कार्य और समय, समय, ठीक, कार्य तथा समय। तो ये जो टॉपिक है देखिए इसके जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम ट्रिक से समझेंगे, हम पूरा क्वेश्चन ट्रिक से ही करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हो आंसर हम क्या करें विद इन 2 सेकंड 30 सेकंड्स के अंदर आंसर हमें बताना है, ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं टाइम एंड वर्क। देखिए जैसे रियल लाइफ में आपको पता होगा कि एक ह्यूमन नेचर होता है, जैसे मान लो जो नंबर ऑफ जो मैन होंगे जो आदमी होंगे वो ज़्यादा होंगे तो वर्क ज़्यादा होगा, ठीक, ये तो सभी लॉजिकली पता होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो आदमी लेबर्स होंगे तो क्या होंगे ज़्यादा होंगे, काम ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक, ठीक है भाई। ह्यूमन नेचर होता है इफिशियंसी अलग अलग होती है सबकी, कोई कम काम करता है कोई ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो मैंने कहा कि ए किसी काम को 12-15 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो 12 और 15, ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं 15 और 12 का, एलसीएम वो नंबर होती है, एलसीएम वो नंबर होती है जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, भाई 12 और 15 से दोनों से डिविजिबल हो जाए, वो क्या हो गया, ये आपका 60 क्या हो गया, ये 60 ऐसा एक मिनिमम नंबर है जो इससे डिविजिबल हो जाएगा, या फिर इसको सब्जेक्टिव तरीके से कर लीजिए,
15 और 12 इसको डिवाइड करते थे, 3 3 5 15, 3 6 12, 1 5 5 6 5 4, फिर 2 2 2 2 4, फिर 2 2 कर दो। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब नंबर आएगा क्या आएगा, 60 आएगा। तो इसका जो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। देखिए जैसे आपने 15 और 12 का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, 60 टोटल वर्क आ गया। यहाँ पे 60 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इसका मतलब ये जो वर्क था यहाँ पे टोटल वर्क कितना था, 60 यूनिट था। तो ये 60 वर्क जो आपका है टोटल वर्क कितना, 60 यूनिट आया आपका, ठीक है, 60 यूनिट जो वर्क आया आपका, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, इसको किसी काम को ए ने 15 दिन में कंप्लीट कर लेता, हमें वर्क पता चल गया। जैसे मैंने 15 और 12 का एलसीएम लिया वो क्या हो गया, 60 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसे कितना हो गया, 15 चक्कू 60 4 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 15 यहाँ पे कितना हो गया, 12 पंचे 60। इसका मतलब ये जो आपने निकाला, इसका मतलब ए जो होगा पर डे काम कितना करता है, 4 यूनिट करता है। बी जो पर डे काम कितना करता है, 5 यूनिट करता है। ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो पर डे काम कितना होगा, 9 यूनिट होगा। अब हमें पता चल गया पर डे 9 यूनिट हो रहा काम, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 60/9, ये कितना हो गया आपका, 3 × 6 = 9, ये कितना आएगा आपका, 20/3 दिन आएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे 20 को, इसको हम लिख सकते हैं 20/3 को डिवाइड करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 × 18, ये 2 आएगा। तो इसको लिखेंगे 2 सही 6 सही 2/3 दिन, तो ये आंसर मिलेगा आपका 6 सही 2/3 दिन, ये डेज आएगा आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, मैंने बोला कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अब हमें वर्क नहीं पता कितना यूनिट वर्क था, तो क्या करेंगे हम, 15 और 12 का एलसीएम लिया कितना, 60 हो गया। इसका मतलब 60 टोटल वर्क हो गया, इसका मतलब 60 यूनिट वर्क करना था। जब इसको मैंने यहाँ पे ये 60 यूनिट को कितना दिन में करता, 15 दिन में करता, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 60 डिवाइड बाय 15 क्या, 4 आएगा। इसका मतलब पर जो ए है पर डे काम कितना करता है, 4 यूनिट करता है। बी पर डे कितना काम करता है, 5 यूनिट करता है। तो दोनों एक साथ काम कितने दिन में करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। तो हमें टोटल कितना काम करना है, 60 यूनिट। तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 9 ये कितना आएगा, 20/3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको जब डिवाइड करेंगे ये क्या हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो 6 से ही 2/3 दिन आएगा। तो आंसर इस टाइप में मिलेगा आपको ऑप्शन में, कभी कभी क्या मिलता है ऑप्शन यही मिलेगा आपका डायरेक्टली। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए 20/3 कौन सा फ्रैक्शन बना रहा, ये इसको बोलते हैं भिन्न, मिक्स जो मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या आएगा, 20/3 आएगा, क्लियर। को समझेंगे एक बार और मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर बात ना सभी को।